wait, but obviously, ऐसे तो चाहूंगी नहीं. So quickly, I'll get ready. Okay, so I'm ready and let's go directly to Banjara Market. हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल वंडरलस बॉर्न टू ट्रैवल. मेरा नाम है हिमानी एंड टुडे आई एम इन बंजारा मार्केट जो कि गुड़गांव के सेक्टर 56 में. और जैसा कि मैं इस मार्केट में आ गई हूँ एंड आप देख रहे हो कि मार्केट पहले मैं जब बहुत पहले आई थी तभी ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था एंड अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है. एवरीवेयर यू कैन सी टिल देयर शॉप्स एंड शॉप्स एंड शॉप्स एंड मैं आपको ये पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने वाली हूँ. ये जो लेन है वो लेन में दोनों साइड आपको सेरेमिक के आइटम, ट्रेडिशनल प्लांटर्स, गमले और क्रॉकरीज, बोल, किचन के आइटम और जो भी सेरेमिक के आइटम जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको सब कुछ यहाँ नज़र आएगी. और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीक़ों से इन लोगों ने अच्छे से जमा के रखा है सो दैट कि आपको डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं होती है जब आप सर्च करते हो. और जैसा कि रोड के दोनों साइड ये शॉप्स लगी हुई है और बहुत ही ईजी होगा आपके लिए ढूंढना इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कलरफुल एंड पैपी फॉर योर हाउस. स्टार्टेड ₹30-20 से स्टार्टिंग रेंज है इनकी. एंड देन आप जैसे अंदर जाओगे मार्केट में तो वहाँ पर ऐसे शॉप्स जैसे बने हुए हैं वहाँ पर भी आपको क्रॉकरीज मिल जाएगी बट वहाँ पर काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे रखी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ चीज़ें बस ऐसी रैंडम पड़ी हुई है, कुछ चीज़ें धूल खा रही है बट चीज़ें सारी अच्छी मिलेगी आपको. वो सफाई करके देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे टेंट्स लगे हुए हैं इनके अंदर अंदर भी चीज़ें रखी हुई है, फर्नीचर, होम डेकोर जो कि आपको घुस के देखना पड़ेगा. यू हैव टू लुक फॉर इट, सर्च फॉर इट. जैसा कि ये वाली लैम्प वाली ट्राईपॉड वाली लैम्प है, ये लैम्प्स भी काफ़ी वेराइटी थी इनकी इस मार्केट में. फर्नीचर, चेयर, मिरर, रग्स, स्टूल और इस तरीके के पूफ और ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगी. एंड एक चीज़ ढूंढोगे हज़ारों चीज़ें दिखेंगी आपको जैसा कि चेस्ट ड्रॉर्स है, टेबल है, कॉफ़ी टेबल है, सेंटर टेबल है, इवन मैंने तो डाइनिंग टेबल भी देखे वहाँ पर और इस तरीके के साइड टेबल काफ़ी वैरायटी थी. बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आप कोई चीज़ माइंड में लेकर जाओगे कि आपको यही चीज़ चाहिए पर्टिकुलर तो ज़रूरी नहीं आपको वो मिल जाए. आपको काफ़ी पेशेंट होकर ढूंढना पड़ेगा चीज़ों को एंड ढूंढते ढूंढते आपको हो सकता है आपने जो सोचा उससे भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए. जैसे कि ये कोस्टर्स है, ये काफ़ी अच्छे थे, इसमें सारे पड़े हुए थे ऐसी बस ढेर में. ये मेरे ख्याल से वो 20-20 रुपये में दे रहे थे एक एक कोस्टर्स, तो विच इज़ नाइस क्योंकि वुडन वाले कोस्टर्स थे. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको रैंडम दिख जाएगी इस मार्केट में. जैसे ये वाली शॉप में अंदर हम गए थे तो हमको यहाँ पर मिरर दिखा था और वो मिरर काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आ गया था क्योंकि 5 फीट उसकी लेंथ थी, वो मुझे उतनी ही चाहिए थी. और वो भैया कह रहे थे कि वो पेंट भी कर देंगे जिस कलर में मुझे इसको पेंट करवाना है. बट मैं इसे बहुत जल्दी एक बार जाऊंगी और लेकर आऊंगी बट इस बार तो मैंने नहीं लिया. बट इस तरीके की वुडन फिनिश वाली चीज़ें आपको बंजारा मार्केट में बहुत ह्यूज वेराइटी में देखने को मिलेगी. एंड इफ़ यू हैव रेस्टोरेंट और आपका इस तरीके का कोई चेन है तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पर. आपको अपने बिजनेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली मिलेगी जैसे कि ये जो कैंडल वाला जो केज है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वुडन वाला एस्थेटिक लग रहा है, काफ़ी एस्थेटिक है राइट. एंड इस तरीके से होम डेकोर के लिए एस्थेटिक चीज़ें आपको बहुत मिलेगी. एट द सेम टाइम यू विल फाइंड सम सिल्वर, कॉपर और ऐसे गोल्डन, रोज गोल्ड वाली जो फील में जो चीज़ें आजकल चल रही है डेकोर आइटम वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेगी. एंड रग्स तो जैसा मैंने आपको बताया आपको रग्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर. दो मुझे उनके रेट थोड़े से हाई लगे, कुछ ज़्यादा ही कोट कर रहे थे बट यू विल फाइंड दैम एज वेल. ओके गाइज, सो शॉपिंग तो हमारी इतनी ज़्यादा हमें करनी नहीं थी जैसा मैंने बताया बट फिर भी आई विल एंड अप बाइंग सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स फॉर माई किचन. एंड हॉट, इट्स लिटरली वेरी हॉट एंड माई सिस्टर इज लाइक डाइंग फ्रॉम इन साइड एंड शी इज़ लाइक ओके जल्दी चल. सो वी आर गोइंग बैक एंड आपको घर पहुँच के मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से. सो या ओके गाइज, सो आई एम बैक होम और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं बंजारा मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ. बाय द वे पहले ही बता देती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है बिकॉज मुझे वहाँ से फिर और कहीं कुछ काम से जाना था, मीटिंग के लिए जाना था. सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकती थी. थोड़ी बहुत चीज़ें, टिट्स एंड बिट्स मैंने लिया है किचन के लिए और ऐसी थोड़ी सी चीज़ें ली है, ज़्यादा नहीं ली है. बट आपको एक फेयर आइडिया देने के लिए कि कौन सी चीज़ किस रेट में आपको वहां पर मिल सकती है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बंजारा मार्केट से. सो वो मैं इसलिए मैं आपसे ये चीज शेयर कर रही हूं. सो या अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप बंजारा मार्केट जाने वाले हैं कभी भी तो आपको एक आइडिया रहेगा, फेयर आइडिया रहेगा कि आप इस रेट में आपको वहां पर चीजें
मिल सकती है और आप उतना बार्गेन करवा सकते हो। बाय द वे मेरी जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो काफ़ी सस्ती मुझे मिली है और 30 रुपीज से स्टार्टिंग है। यस 30 रुपीज़, कैन यू बिलीव, मतलब सेरेमिक की आइटम 30 रुपीज़ में मैंने आज तक कभी नहीं लिया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब आई बॉट 30 रुपीज़ में। ये सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये दो मार्क्स, यस ये 30 रुपीज़ के, दोनों 30 रुपीज़ के नहीं है, 30 रुपीज़ ईच। सो ये दोनों मग्स जो है ये 30 रुपीज़ के हैं। ये जो था ये नीचे जिस उनके पास ऐसे ढेर में लगे हुए थे, थोड़े से डस्टी हो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो जो रोड है वो पूरा डस्ट वाला भरा हुआ है, तो वहाँ डस्ट हो ही जाती है, बट उसने पूरे अच्छे से क्लीन करके दिए। बट स्टिल मैं घर आने के बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश किया एंड अच्छी तरीके से मैंने इसे क्लीन किया है एंड दे आर सुपर नाइस। आप जैसा कि देख सकते हैं ये वाले मग्स आपको मॉल में, मैंने होम सेंटर में देखे हैं मिले। सो इस तरीके के मग्स आपको 200-150 रुपये के मिलते हैं और ये सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं। सो इट्स अ बिग 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 डील, दीज आर फॉर 30 रुपीज़। एंड उसके साथ एक ये छोटा सा प्लांटर भी लिया मैंने, उन्हीं के पास रखा हुआ था। सो ये प्लांटर मैंने अपने टेबल के लिए लिया है, जैसे कि इसमें होल भी है और इसमें मैं छोटा सा कुछ प्लांट करूंगी, लाइक मनी प्लांट या फिर मेरा जेड प्लांट मैं इसके अंदर प्लांट करूंगी, बिकॉज आई एम अ प्लांट लवर और मेरे घर में काफी सारे प्लांट्स हैं। सो इसके अंदर मैं कुछ तो भी प्लांट करूंगी। या दैट्स दैट। और उसके बाद आते हैं हम 50 रुपये में, तो 30 के बाद हम आते हैं 50 रुपये में। सो 50 रुपये के मैंने लिए ये दो बोल्स। अब ये जो बोल्स थे मुझे लेने थे क्योंकि मैगी खाना हो या फिर सूप पीना हो या जस्ट ऐसे ही दाल चावल राजमा चावल ऐसे कुछ भी बनाया तो इस पे से खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े, दोनों का डिज़ाइन सेम है बट दे बोथ आर इन अ डिफरेंट कलर, बिकॉज मुझे चाहिए था दोनों डिफरेंट कलर का, क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे ऐसे पिक्चर्स डालते रहती हूँ मैं काफ़ी खाने पीने की भी। सो उस हिसाब से मुझे दो कलर चाहिए थे, सो मैंने ये दोनों लिया एंड दोनों ईच 50 रुपीज़। इसमें बार्गेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि ये 50 रुपये का एक है। अब 50 रुपये से कम में इसमें क्या ही बार्गेन करोगे, दे आर वेरी नाइस इन कलर। यस तो दीज आर फॉर 50 रुपीज़। तो मैंने ये प्लेट ली उनके पास से, दिस इज़ फॉर 70 रुपीज़ और ये थोड़ी सी डीप जाती है, लाइक ऐसे थोड़ा सा डीप है और इसके अंदर आप मेरे ख्याल से इफ़ यू वॉन्ट टू सर्व पास्ता मिक्रोनी और आपको इस तरीके की चीज़ें इसमें सर्व करनी है, सो इट्स वेरी नाइस। और इस तरीके की जो प्लेट टेक्स्चर है ये आजकल बहुत चल रहे हैं, मैंने इसे H&M होम में देखा था ऑनलाइन, क्योंकि इंडिया में H&M होम अभी आया नहीं है, बट या मैंने उसमें देखा था, ये मैंने चुंबक में देखा था इस तरीके की प्लेट्स, और काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, बट ये जस्ट फॉर ₹70। कैन यू इमेजिन, मतलब मैं देखकर पागल ही हो गई वहां पर चीजें, मुझे तो ये लग रहा था कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। दिस प्लेट राइट हियर व्हिच इज आल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, ये डिनर प्लेट है, लंच प्लेट है, इसे यूज कर सकते हो इसमें ब्रेकफास्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए। क्वार्टर प्लेट से थोड़ी सी बड़ी है, क्वार्टर प्लेट नहीं है ये, क्वार्टर प्लेट से थोड़ी बड़ी है, इससे बड़ा ही है, एज यू कैन सी इससे बड़ा है। सो ये भी 70 रुपीज़ की है और आप इस तरीके की प्लेट्स आपको बंजारा मार्केट में काफ़ी दिख जाएगी, बट मुझे कलर नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत सर्च किया, फिर लास्ट टाइम जब वापस आते टाइम स्टार्टिंग में जो था वहाँ पर से मुझे मिल गई। सो ये भी 70 रुपीज़ की है एंड दिस प्लेट राइट हियर, दिस इज ऑल्सो फॉर 70 रुपीज़। सो या ये तीन चीज़ें मैंने 70 की उनके पास से ली। मैं तो उन्हें कह रही थी 200 रुपये में तीन दे दो, बट वो मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें नहीं जमता ऑब्वियसली, दैट्स वाई उन्होंने फिर बोला कि नहीं आपको 20 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, क्योंकि 70 रुपीज़ से कम में ये हमें पड़ती ही नहीं है। सो ऑब्वियसली आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पड़ेगा तो किसी को ज़्यादा बोल के उनसे उन्हें वो ना कमा पाए हमसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कि सिचुएशन बहुत टफ है, उनकी सिचुएशन हमसे ज्यादा टफ है, तो आप अगर जा रहे हैं तो मेक श्योर इतना ही बार्गेन करें जितना कि वो भी खुश हो और आप भी उसमें ले लो। उनको पैसे जबरदस्ती पकड़ा दोगे, क्या मतलब है किसी लाइक किसी से उनका हक मारने का, राइट। सो दीज आर द थिंग विच आई बॉट 30 से लेकर 70 रुपए तक, और इतनी चीजें मैंने खरीदी है। अभी फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर का ह्यूज 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 वैरायटी है बंजारा मार्केट में, इतनी चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई आपको सब मिल सकता है, बस आपको पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना होगा और आपके माइंड में आपके घर में आपको किस थीम में डेकोर करना है आपके माइंड में वो एक रफ पिक्चर होनी चाहिए, सो दैट आप इजीली खरीद सकते हो, अदरवाइज आपको इतनी रैंडम चीजें दिखेंगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि ये लूं या ये लूं।
वो लो या ये लो, तो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. सो मेक श्योर जब आप बंजारा मार्केट जाओ तो वीक डेज में जाओ, भीड़ कम मिलेगी. सेकेंड, अपना पानी का बॉटल और हाइड्रेशन काफ़ी ज़रूरी है. मास्क तो डेफिनेटली लगा कर रखो क्योंकि वहाँ पे धूल वैसे भी बहुत ज़्यादा उठती है. एंड बार्गेनिंग उतना ही करवाओ जितना कि उनको भी सही लगे, और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करा के आप भी नहीं ले पाओगे और वो आपको दे भी नहीं पाएंगे. सो दैट्स दैट. और बाकी बंजारा मार्केट आई लाइक इट, और मुझे लगा सरोजनी नगर का ये होम डेकोर वर्जन है. सो या मुझे काफ़ी पसंद आया, और मैं इन फ्यूचर जब भी अपना हाउस अपने हिसाब से पूरा बिल्ड करूँगी बहुत जल्दी या होपफुली सून, सो मैं वहाँ से ही चीज़ें सबसे ज़्यादा उठाने वाली हूँ. एंड या आई लाइक इट अलॉट, और आप भी ज़रूर जाइए. दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. इफ आपको अगर कोई भी बात जाननी है बंजारा मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया, पूरा मार्केट ही एक्सप्लोर किया. सो या लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट टू नो समथिंग. दैन या विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एज वेल. विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैन चारा बाय बाय.